आप बच्चों को साल के 11 महीने केक ना बना के दो तो चलेगा, लेकिन दिसंबर महीने में जो बच्चों को बेहद प्यारा है, क्रिसमस महीना, तो उसमें केक आपको जरूर बना के देना चाहिए। बहुत सारी रेसिपी पहले भी दी है, आज भी बहुत अमेजिंग रेसिपी लाई हूँ जो कि आप जरूर बनाएंगे। आप डरिए नहीं, इतना बड़ा केक बनाने की जरूरत नहीं, आप छोटा छोटा केक भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे घर के इंग्रेडिएंट से बहुत ही स्पेशल केक, वो देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है जिसमें 50 ग्राम के आसपास अमूल बटर लिया है जो कि रूम टेम्परेचर पर है, और 50 ml के आसपास रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहे तो टोटल ऑयल ले सकते हैं, आप चाहे तो टोटल बटर ले सकते हैं। इसमें मैंने 1 कप पिसी हुई चीनी डालना है जो कि धीरे धीरे डालना है जिससे बटर के साथ वो मिक्स हो जाए। 1/4 कप मैंने इसमें फेटा हुआ दही डाल दिया है। ये देखिए मिश्रण की कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया पोरिंग हो गई ना, बस ऐसा हो जाए। क्योंकि हम अंडे नहीं डालते तो हमें दही और बटर डालकर इसको रिच बनाना है। अब क्योंकि इस केक को मैं कढ़ाई में बनाने वाली हूँ, तो एक तरफ मैंने गैस पर कढ़ाई को गर्म करना रख दिया है और उसके नीचे जाली और एक प्लेट रख दी है। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फैमिली बड़ी होगी तो स्ट्रांग भी होगी। अब इस मिश्रण में छन्नी रखकर मैं डाल रही हूँ 1.5 कप मैदा। ग्राम्स में देखेंगे तो 240 ग्राम मैदा है। वन टीस्पून डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। सबको धीरे धीरे मिक्स कर रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए मैं ले रही हूँ 1/2 कप दूध। सारी चीजें मैंने रूम टेम्परेचर वाली ली है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडी। ये नॉर्मल केक से थोड़ा अलग है, इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी अलग रखनी होती है, तो इसलिए आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए बिना स्किप किए। मैं दूध भी बहुत थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डाल रही हूँ। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी काफी थिक है। और इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ 1 कप मावा। अगर आपके पास मावा ना हो, आप ये भी कर सकते हो कि इसके बदले 1 कप मिल्क पाउडर डायरेक्ट डाल दें, या फिर 1 कप मिल्क पाउडर से आप मावा बना लें जैसे घर में बनाया जाता है। अब इस केक की जो खास बात है, नॉर्मल जो केक होते हैं उसकी कंसिस्टेंसी आपने कई बार देखी होगी, ये कंसिस्टेंसी देखिए, हमारी इस केक की कंसिस्टेंसी थिक होनी चाहिए। ये मावा केक है, पूना का बहुत ही स्पेशल केक है और बच्चों को बेहद पसंद आएगी। और इसमें जो हम ड्राई फ्रूट वगैरह डालेंगे, आप चेरीज भी डाल सकते हो, एक तो वो ऊपर ही सजी रहती हैं, कभी भी जलती नहीं है क्योंकि हम गैस पर बनाते हैं। आप इसे किसी में भी बना सकते हैं, डायरेक्ट तवे पर भी, अगर आपने छोटी छोटी कटोरियाँ रख दी तो उस पर भी बन जाएगी। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी चाहिए, इसलिए मैंने बचा हुआ थोड़ा दूध नहीं डाला। हम लेते हैं एक मसालदानी। आपको लगेगा मसालदानी, जी हाँ, ये जो कटोरियाँ हैं ना, मैंने मसालदानी वाली यूज़ की हैं। एक और बात मैं बताना भूल गई, ये जो मैंने मिश्रण बनाया है इसका जस्ट हाफ बनाया है, इसका डबल बनाकर मैंने पहले से बना के रखा है। तो आपको अगर बड़ा बनाना है तो इसका डबल कर दीजिए, वरना छोटे छोटे में बना सकते हो, सिंगल छोटे वाले मोल्ड में भी बना सकते हो। अभी मैं ये भी आपको निकाल के दिखाऊंगी, पहले हम इसको थोड़ा ग्रीस कर देते हैं। मैंने 6 कटोरियों में मिश्रण डाल दिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। आप कलरफुल चेरीज भी डाल सकते हो। आप अवन में बनाते हैं, माइक्रोवेव के कन्वेक्शन में बनाते हैं, तो 180 डिग्री पर बनाइए और करीब करीब 25 से 30 मिनट लगेंगे। डिपेंड करता है आप कटोरियों में बना रहे हो तो हो सकता है 20 मिनट में भी बन जाए, अगर आप केक मोल्ड में बना रहे हो तो 25-26 मिनट लग सकते हैं। लेकिन अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो आप सबसे पहले से प्री हीट कीजिए 5-7 मिनट के लिए, जब तक हम केक बना रहे थे, और हम ये केक के लिए ये कटोरियाँ रख देते हैं। और उसके बाद 1 मिनट ये फुल फ्लेम पे चलेगी जिससे इस पर हीट पहुंचना शुरू हो जाए, उसके बाद हम इसकी फ्लेम जो है स्लो कर देंगे। तो कढ़ाई में हमें टेम्परेचर तो नहीं देखना होता, बस यही देखना होता है। इसे मैंने 6 कटोरियाँ मैंने रख दी हैं, 7वीं कटोरी मैंने इसके अंदर डाली थी। इसे हम कवर कर देते हैं, बस आधा मिनट तो हो गया, आधे मिनट बाद मैं इसको गैस की फ्लेम स्लो कर देती हूँ और 20 मिनट बाद हम चेक करेंगे।
एक और बात, ये जो मैंने आपको मिश्रण बना के दिया था, इसका डबल मैंने इस केक मोल्ड में बनाया था। ये केक मोल्ड मैंने पहली बार यूज़ किया, काफ़ी बड़ा है तो मैंने इसमें डबल बनाया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था, इसलिए पहले मैं इसमें कटोरी रखना चाह रही थी, बाद में थोड़ा सा मिश्रण बच गया तो मैंने सेंटर में भी इसमें रख दिया है। आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों किया, मैंने इसलिए किया था, मसालदानी में जैसे 7 कटोरियाँ होती हैं ना, तो एक उसमें डाली है और 6 यहाँ पर हैं। तो एक छोटा केक भी बन गया और एक बड़ा केक भी बन गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग केक बना है। और मैंने सोचा इतना बड़ा मोल्ड आपके यहाँ नहीं होगा, आप कैसे बनाओगे, तो मैंने ये छोटे छोटे केक आपको बता दिए हैं। ये एक बड़ा सा केक लग रहा है, जैसे माँ जैसा, और ये छोटा बेबी केक लग रहा है। लग रहा है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है। कितना स्पॉन्जी है, आप देखिए, सारी तरफ आप देख रहे हैं, बिल्कुल कट करके भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कितना स्पॉन्जी है। इसका टेक्सचर देखिए, जबकि मावा डालने से बहुत हैवी हो जाता है। मार्केट के आपने केक देखे होंगे, जो मावा केक होते हैं बहुत हैवी होते हैं, ये बहुत लाइट बना है, बहुत ही सुपर सॉफ्ट बना है। कभी कभी हम केक को थोड़ी ऊंचाई पर रखते हैं, जिसकी वजह से फ्लेम नहीं मिलता, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि केक का बर्तन जो हम जिसमें पका रहे हैं थोड़ा मोटा है, फ्लेम थोड़ी कम है, तो ये आप एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर केक को हीट नहीं मिल रही तो थोड़ी हीट को बढ़ा भी सकते हैं। बस छोटी छोटी बातें जिन्हें हम ध्यान नहीं देते तो हमारे केक परफेक्ट नहीं बनते हैं। अब यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ, थोड़ा सा मिश्रण ज़्यादा हो गया है, मैं चाहती तो थोड़ा थोड़ा कम डालती ना तो परफेक्ट बनते, कोई बात नहीं चलेगा, मैं चेक कर लेती हूँ। टूथपिक बिल्कुल क्लीन आई है, केक बन चुके हैं, गैस बंद कर देते हैं, थोड़ी देर बाद इसे निकालेंगे। तो ये छोटे कपकेक भी बनकर तैयार हुए हैं, इन्हें मैं डीमोल्ड करके दिखाऊंगी, अभी बहुत गर्म है, तो गलती किसी से भी हो सकती है, आप घबराइएगा कभी नहीं, क्योंकि देखिए मैंने भी थोड़ा सा ओवर डाल दिया ना इसमें बैटर, जिसकी वजह से बाहर से ख़राब लग रहा था, लेकिन मैंने उसे ठीक भी कर दिया। देखा ना आपने, पसंद आए अगर ये रेसिपी तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ना अवन ना माइक्रोवेव, नॉर्मल आपकी मसालदानी के कटोरियाँ और कढ़ाई, आपका केक बनकर तैयार हो गया है। अब कोई बहाना नहीं चाहिए ना बनाने का, सारी इसी तरीके से परफेक्ट चीज़ें लेंगे तो केक भी आपका परफेक्ट बनेगा, ये मेरी गारंटी है।